तो दोस्तों अभी हाल ही का ही बात है कि ये जो रॉयल एनफील्ड का गोरिल्ला 450 है ना, तो वो भाई लॉन्च हुआ और वो लॉन्च होने के बाद ना अभी जगह एक न्यू इमेज सामने आया रॉयल एनफील्ड के ही 450 सीसी वाले और एक न्यू बाइक का। और जैसे कि देख सकते होंगे ये एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह देखने में तो है, मतलब कि कैफे रेसर टाइप का जो बाइक है ना, तो ये वही है जिसके अंदर आपको एक पावरफुल सा 450 सीसी वाला इंजन देखने को मिलेगा। बाकी इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर फीचर्स भी बहुत सारे कुछ दिए जाने वाले हैं। तो मैं हूं अंकन कोनकर, आप देख रहे हो कोनकर अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों सही से देखा जाए तो भाई अभी कुछ ही समय पहले ही रॉयल एनफील्ड का ही गोरिल्ला 450 करके उनका एक न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था, और वो मॉडल लॉन्च होने के बाद बस एक और न्यू मॉडल का जो इमेज है ना, तो वो सामने आया। और हाल फिलहाल का ही बात है कि ये जो मॉडल है ना, तो ये भी अभी बनना शुरू हो चुका है, ऐसा ही रूमर है रॉयल एनफील्ड कंपनी के अंदर, मतलब बनना शुरू हो चुका है। बाकी हाँ, ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर भाई पहले बात तो जो लुक्स है, तो इसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के ही गोरिल्ला 450 से। मतलब कि देख ही सकते होंगे कि ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर पहले बात तो ये जो ऊपर वाला ये जो फेस है, तो इसके अंदर आपको एक सेमी फेयर्ड वाला जो लुक है ना, तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक मॉडर्न जो कैफे रेसर वाला जो मॉडल है ना, तो ये वो वाला मॉडल है। और साथ में आप लोग एक और भी चीज देख ही सकते हो कि इस वाले मॉडल के अंदर ना जो पीछे का भी जो मतलब कि टेल सेक्शन भी जो है, या फिर जो पिलियन सीट के उधर जो है, तो वो भी काफी ज्यादा एक स्लिम सा जो है ना, तो वो कुछ बनाया गया है। बाकी आप लोग ये भी तो देख ही सकते होंगे कि ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको व्हाइट कलर वाला जो कुछ चीज है, तो वो देखने को मिला है। हालांकि जब रियल लाइफ में लॉन्च होगा तो इसके अंदर और भी कुछ कलर ऑप्शन देखने को तो मिलेगा, लेकिन वही है मुद्दा जो कि भाई इस वाले मॉडल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा एक 450 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला, नहीं भाई, एक लिक्विड कूल वाला इंजन जो कि DOHC 4 वाला होने वाला है। और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये भी है 40 BHP, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो वो भी है 40 Nm विद 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना, तो वो साथ में भाई एक और भी चीज जो कि है असिस्टेंस स्लीपर क्लच जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा तो एक और भी चीज आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो मॉडल आपके सामने है ना, तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं सामने USD फोक्स, और पीछे देखने को मिलेगा भाई मोनोशॉक एब्जॉर्बर भी। साथ में इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो भी भाई पूरे तरीके से LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। साथ में जो हैजर्ड वार्निंग वाला जो फीचर है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल का भी जो मीटर कंसोल है, तो वो बोला जा रहा है पूरी तरीके से एक डिजिटल वाला होगा, कलरफुल TFT डिस्प्ले वाला। और इसके ही साथ साथ तो ये भी है कि ये जो कैफे रेसर वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर भी आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिला है, साथ में डिस्क ब्रेक के सामने ABS भी दिया गया है डुअल चैनल वाला। और इसके अलावा फीचर्स के अंदर कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मॉडल आपके सामने है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है पहले बात तो राइडिंग मोड्स। और इसके ही साथ साथ एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि जो भाई राइड बाय वायर या फिर भाई जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है, तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। साथ में भाई ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और इसके अलावा जो ब्लूटूथ एप्लीकेशन कनेक्टिविटी है, तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, इस वाले मॉडल के बारे में यही कुछ बोला जा रहा है कि इस वाले मॉडल का जो मीटर कंसोल है ना, तो वो भी भाई कुछ अलग तरीके से सेटअप जो है ना, तो वो इस वाले मॉडल के अंदर हेडलाइट वाले पार्ट पर या फिर हेड वाले पार्ट पर किए जाने वाले हैं। और हाँ, अगर एक बात किया जाए भाई इस वाले मॉडल का सामने से देखने में ये मॉडल किस तरीके का होगा, तो भाई एक बात आपको मैं बता दूं कि अभी भाई ऑफिशियली कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन भाई जितना भाई देख के लग रहा है ना, तो वो कुछ इस तरीके का देखने में होगा जैसे कि देख सकते होंगे आपके सामने है। लेकिन जो भी बोलो भाई, ये जो मॉडल है ना, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल एक इंजन के साथ में तो है, साथ में इसका जो लुक है ना, तो ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने में तो लग ही रहा है भाई अभी से ही। अब फ्यूचर में इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स आएगा, और बात ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो मॉडल आपके सामने है ना, तो ये 2025 तक इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।